हरियाणा में जो ये भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ था, बहुत देशों में और में आती है। जब इसका अध्ययन करने पर पता लगता है तो आईटी के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर सिस्टम्स को खड़ा किया जाए और डिस्क्रिशनरी पावर्स जितनी कम कर दी जाए उतना जनता को राहत मिलेगी, भ्रष्टाचार भी उतना कम होगा। 2014 के ही पहले साल में जब हमने सत्ता हम आए, जब तो 25 दिसंबर आदरणीय अटल जी का जन्मदिन हम मनाते हैं, तो उस दिन को हमने गुड गवर्नेंस डे इस नाते से मनाया। और गुड गवर्नेंस डे को, जो फर्स्ट गुड गवर्नेंस डे हमने आके मनाया, उसके अंदर ई रजिस्ट्रेशन एक हमने पद्धति शुरू की कि अब तहसील के अंदर रजिस्ट्रियां, जो भ्रष्टाचार होता है उसको बंद करने के लिए, अब जो जमीन की रजिस्ट्रियां होंगी वो आपको कंप्यूटर पर होंगी, आपकी एक चेकलिस्ट है, आप आओ अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ और शाम को आपके घर में आपकी रजिस्ट्री पहुंच जाएगी। वो पहला हमारा प्रोग्राम इतना सफल हुआ, जनता में इतना विश्वास हुआ, तहसीलों में भ्रष्टाचार जो होता था वो प्राय प्राय बंद हो गया। और हैरानी तब हुई जब बड़े बड़े स्टेशन पर तहसीलदारों की नियुक्ति के लिए जो सिफारिशें आती थी वो सारी सिफारिशें बंद हो गई। हम जाके कहते थे अच्छा भी बढ़िया स्टेशन है फरीदाबाद, बढ़िया स्टेशन है गुड़गांव, चलो आप तहसीलदार वहां चले जाओ। अगर नहीं जी, अब चाहे गुड़गांव भेज दो, चाहे बहल भेज दो, चाहे एलनाबाद भेज दो, अब तो एक ही बात है, क्या फर्क है। बल्कि गुड़गांव और फरीदाबाद जाएंगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, कहीं छोटे स्टेशन पर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसलिए उसी में से जब हमारे हमें लगा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है तो जितने सिस्टम्स थे उसको ऑनलाइन करना शुरू किया। और आज तो हमारा प्रदेश ऑनलाइन यानी होने में सारे प्रदेशों से इतना आगे निकल गया, हमको 42 अवार्ड्स मिले हैं यानी विभिन्न विभागों में ऑनलाइन सर्विस देने के, 42 अवार्ड। किसी प्रदेश को इतने अवार्ड नहीं मिले हैं, 42 अवार्ड जो ऑनलाइन सिस्टम बनाने में। आज तो आधार बेस्ड सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम, हमारे पीडीएस सिस्टम में भी अब वो हो गया है। हमारा ओल्ड एज पेंशन का जो स्कीम था उसमें 1.5 लाख फर्जी पेंशन वो हमने बंद कर दी। 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो फर्जी एडमिशन होते थे जिनके स्कूलों के अंदर, वो बंद कर दिए। कैरोसिन फ्री हमने कर दिया। कितने ही काम हमने ऐसे कर दिए कि अब हमको इंटरनेट के माध्यम से अपना जो सिस्टम है उसको खड़ा करने में 1000 करोड़ रुपये की बचत हुई है सरकार की, 1000 करोड़ रुपये की ऑनलाइन करने से, सिस्टम ऑनलाइन करने से। हमारे जितने भी आज अनएम्प्लॉयमेंट भी है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए आज ही मैं देख रहा था कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डाटा, जो डाटा है सक्षम युवा का, जो हमारा डाटा है वो हमारे पास ऑनलाइन सारा है कि कौन लोग ऐसे हैं जो आज भी अनएम्प्लॉयड हैं, कौन ऐसे हैं जो सेमी एम्प्लॉयड हैं, कौन ऐसे हैं जो जिन्होंने अपना नाम तो लिखा दिया अपना अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम में लेकिन वो फर्जी हैं। फर्जी क्या, अपना बिजनेस करते हैं, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का उनको 1500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया देते हैं, वो प्राप्त करने के लिए आके लिस्ट में लिखा देते हैं। बाद में हम जब उनको बुलाते हैं कि नहीं आप आओ अपना काम करो, वो काम करने के लिए नहीं आते, बस उन्हें निकाल देते हैं। तो ऐसे इस आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित सिस्टम में से बहुत चीज़ें सुधरी हैं, भ्रष्टाचार इसमें कम हुआ है।